किरचॉफ लॉ कहाँ काम आता है कैपेसिटर में? किरचॉफ लॉ काम आता है कि अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ कैपेसिटर्स हैं और बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं और आप हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना चाहते हो, तो किरचॉफ लॉ चार्ज की वैल्यू को निकाल देगा। फिर आप कहोगे ये तो हमने किया हुआ है, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल लगा लो, आंसर आ जाएगा। किरचॉफ लॉ वहाँ फायदेमंद है जहाँ पर कैपेसिटर्स ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, आप उन्हें सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, तो वहां पर किरचॉफ लॉ बिना सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट के चार्ज की वैल्यू को निकाल देगा। तो क्या है लॉ, इसको समझते हैं। किरचॉफ के दो लॉज हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, ये चौथा कैपेसिटर है और ये पांचवा कैपेसिटर है। ये पांच कैपेसिटर्स हैं कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट। तो वी वोल्ट की इसमें बैटरी है, ठीक है यहाँ तक। तो कैपेसिटर में ये इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है, इसकी C4 है और इसकी C5 है और ये V है, ठीक है यहाँ तक। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ करते हैं पहले, फर्स्ट लॉ, फिर करेंगे सेकेंड लॉ। लेकिन किरचॉफ का फर्स्ट या सेकेंड लॉ अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको पहले इसमें ना चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखो कैसे, सबसे पहले इसके अंदर ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या करेगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल इन दो प्लेट्स के साथ कनेक्टेड है और ये जो दो प्लेट्स हैं ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी, ये बैटरी दोनों के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी और सप्लाई किसे कर देगी, इन दो प्लेट्स पे कर देगी। तो मतलब अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी। तो ये कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, राइट, ठीक है। तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस, ऐसे, ठीक। तो ये चार्ज क्या आ गया, प्लस। अगर यहां प्लस क्यू चार्ज आ गया, मान लो प्लस क्यू, मैं क्यू भी नहीं बोलूंगा, Q1 एंड Q2 बोलूंगा, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी डिफरेंट है तो चार्ज भी डिफरेंट होगा, ये कौन सा सीरीज में है। तो अगर ये Q1 ये Q2, तो बाय इंडक्शन यहां पर माइनस Q1 और यहां पर बाय इंडक्शन माइनस Q2, क्या ये पॉइंट क्लियर है, Q1 एंड Q2 क्लियर है। अब ये नेगेटिव क्यों आया, ये नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि इसने कंडक्टिंग प्लेट के साथ इसकी अटैचमेंट है, इन कंडक्टिंग प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन्स को इसने यहां पर खींच लिया। तो जैसे सपोज करो इसने इसकी प्लेट के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। लेकिन उससे भी पहले एक और चीज समझते हैं, इन दोनों प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन कहां गए, इस प्लेट पे आ गए, तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव माइनस Q3, यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव माइनस Q4, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो ये चार्जेस आ गए। अब क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो ऑब्वियसली यहां पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो इस प्लेट पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है यहां तक। अब बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्यों आए, कहीं से तो आए, वो कहां से आए, ये फर्दर इन प्लेट के साथ कनेक्टेड है, कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से इसने ले लिए, तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये नहीं पता कि यहां पर क्या चार्ज आएगा, वो क्यों, हो सकता है कि ये भी क्या करता हो, इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता हो, कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसने इसके ले लिए और कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट ने ले लिए,
तो अगर इसने भी इलेक्ट्रॉन ले लिए तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। पर यह भी तो हो सकता है कि ये प्लेट ने इन दोनों के इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अगर इस प्लेट ने दोनों के इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो यहां पर डेफिशिएंसी हो जाएगी और कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये मैं बता नहीं सकता कि इस ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां इस प्लेट ने दोनों के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया फिर तो यार पक्की बात है यहां पर नेगेटिव ही आएगा और यहां पर पॉजिटिव आएगा। पर अगर इसने खींच लिए इसके कुछ इलेक्ट्रॉन, हाँ इस पे तो नेगेटिव आना ही आना है क्योंकि पॉजिटिव के सामने नेगेटिव प्लेट को तो आना ही है। इसके ऊपर नेगेटिव भी आ सकता है कि पता लगे कुछ इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए कुछ इसने ले लिए। तो मैं कह नहीं सकता, जब मैं कह नहीं सकता आप कोई भी चार्ज लगा दो, चाहे प्लस चाहे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो मैंने इसके ऊपर कौन सा चार्ज एज्यूम कर लिया? प्लस क्यू फाइव, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू फाइव। ठीक है यहां तक? लेकिन कोई स्टूडेंट कहे कि मैं तो उल्टा करूंगा। हाँ उल्टा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। ये है चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन। अब करते हैं किरचॉफ लॉ। ये तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हमने कॉमन सेंस से की, इलेक्ट्रॉन इधर गए उधर गए, कॉमन सेंस से की। अब हम करते हैं किरचॉफ का लॉ क्या कहता है। किरचॉफ का लॉ ये कहता है, सबसे पहले बैटरी ने किन प्लेट्स को छेड़ा? एक, दो, तीन और चार, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन बैटरी का इन चारों के साथ है। यहां के इलेक्ट्रॉन्स को लिया और इसको सप्लाई कर दिया, तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहां पर क्या होगी? डेफिशिएंसी, प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू। और वो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो कितना चार्ज आ गया? माइनस क्यू थ्री माइनस क्यू फोर, और इनका सम क्या आएगा? जीरो। और जीरो आना ही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही तो यहीं पर गए हुए हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जितना पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट हो गया इनके जाने की वजह से, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप हो गया, तो टोटल सम क्या आएगा? जीरो। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एंड टू एंड प्लेट्स पे लगेगा। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, समझ में आ रहा है यहां तक? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यहां पर भी लगता है। ये देखो जंक्शन पे, जंक्शन पे ये एक जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है, ये तीसरा जंक्शन है और ये चौथा जंक्शन है। अब चार जंक्शन है इसमें, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ही लगाना है। जंक्शन कौन सा लेना है? सारे जंक्शन नहीं लेने, सारे जंक्शन पर नहीं लगेगा। वो जंक्शन लेना है जिसके साथ इमीडिएटली इमीडिएटली कैपेसिटर की प्लेट कनेक्टेड हो, बैटरी की प्लेट कनेक्टेड ना हो, कैपेसिटर की प्लेट कनेक्टेड हो। जैसे सपोज ये मैंने जंक्शन लिया, तो एक एक प्लेट में ये लूंगा, एक प्लेट में ये लूंगा, एक प्लेट में ये लूंगा, ठीक है। ऐसे ही ये भी जंक्शन है, एक प्लेट, कोई कहे से ये जंक्शन ले लो, नहीं ले सकता क्योंकि यहां पर कैपेसिटर की प्लेट है, यहां पर भी कैपेसिटर की प्लेट है, पर यहां पर बैटरी की प्लेट है। अब बैटरी के ऊपर प्रॉब्लम ये है, चार्ज नहीं होता। मेरे कहने का मतलब बैटरी चार्ज स्टोर नहीं करती, एनर्जी स्टोर करती है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। तो ये कॉन्सेप्ट चार्जेस पे लगता है, एनर्जी पे नहीं लग रहा। तो इसलिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ चार्जेस पे लगता है, तो आप बैटरी वाला जंक्शन ले सकते। तो अब आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप ऊपर वाला जंक्शन लेंगे या आप नीचे वाला जंक्शन लेंगे। तो अगर आप ये जंक्शन लेते हैं, तो अगर आपने ये जंक्शन लिया, ये वाला जंक्शन, तो इस जंक्शन के अंदर, इस जंक्शन के अंदर ये और ये प्लेट कनेक्टेड है। तो इमेजिन करो कि मैंने एक तीनों प्लेट्स कुछ ऐसे कंसिडर कर ली। इस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब आइसोलेटेड फ्रॉम अदर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एज वेल एज बैटरी। ना तो बैटरी इन्वॉल्व है इसमें, ना बाकी प्लेट्स इन्वॉल्व है, सिर्फ तीन प्लेट्स इन्वॉल्व हैं जो इमीडिएटली जंक्शन के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इन्वॉल्व है। तो आपने तीन प्लेट्स ले ली। अब हुआ क्या, चार्ज का हेर फेर हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए? यहां से आए। तो इसके ऊपर प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू वन, इसके ऊपर प्लस क्यू थ्री, इसके ऊपर प्लस क्यू फाइव, और इनका सम क्या है? इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली तो होना ही है। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आपने अगर लगाना है तो यहां भी लगा सकते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। कहां पे? यहां पे। ये देखो, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अगर यहां लगाया जाए तो ये भी तो एक आइसोलेटेड सिस्टम बना। ये देखो जंक्शन के ऊपर, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? माइनस क्यू फाइव, इसके ऊपर कितना चार्ज है? प्लस क्यू फोर,
इसके ऊपर कितना चार्ज है माइनस क्यू टू मस्ट बी इक्वल टू क्या जीरो। तो कैसे लगेगा किरचॉफ का लॉ समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। फॉर्मूला बुकलेट में लिखो कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ, एक स्टेटमेंट लिखो कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ज कंजर्वेशन हो रही है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, सम ऑफ चार्ज जीरो। तो क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन आता है ये आपके मेंस और नीट में कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड नहीं है, चार्ज के ऊपर कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है यहां तक? तो क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये हम अभी लगा के देखेंगे और देखेंगे कि कैसे आंसर आएगा। अब हम करेंगे किरचॉफ का सेकेंड लॉ। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, किरचॉफ का सेकेंड लॉ के लिए काम करते हैं, फिर से डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर, ये आपका दूसरा कैपेसिटर, ये आपका तीसरा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर और ये रहा पांचवा कैपेसिटर। ऐसे ये बैटरी, ये री, ये लो और ये लो। ठीक है, तो इसके अंदर ये प्लस, ये माइनस, ये वी, ये सी वन, ये सी टू, ये C3, ये C4, ये C5, और बताया था मैंने अभी इसमें जो चार्जेस हैं वो कैसे थे, ये प्लस Q1, ये माइनस Q1, ये प्लस Q2, ये माइनस Q2, और ऐसे ही यहाँ पर माइनस Q3, यहाँ पर ये प्लस Q3, माइनस Q4, प्लस Q4, और ये मैंने बनाया था प्लस Q5 और माइनस Q5। ऐसे ठीक है, तो ये डायग्राम है। अब हम करेंगे किरचॉफ का सेकेंड लॉ। देखो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली इसको, इसका दूसरा नाम है लूप लॉ। ये एक क्लोज लूप में लगता है। लूप क्या, किसे बोलते हैं? लूप है अगर आप यहां से स्टार्ट हो जाएं, घूमें, इधर आए, इधर आए, इधर आए, ये पहली लूप है। दूसरी लूप यहाँ से स्टार्ट हो जाएं, इधर 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 इधर, दूसरी लूप। तीसरी लूप यहाँ से स्टार्ट हो जाएं, इधर 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 इधर, तीसरी लूप। चौथी लूप यहाँ से स्टार्ट हो जाएं, ऊपर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, बैटरी से होते हुए वापस आ जाएं। नेक्स्ट लूप यहाँ से स्टार्ट हो, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, और फिर नीचे नीचे वापस आ जाएं। वो गेम खेलते थे ना बचपन में कि वो स्टार्ट करो एक पेंसिल से, पेंसिल नहीं उठनी चाहिए, घूम के पूरे रूट में से वहीं पर वापस आना है, वो एक लूप है। ऑब्वियसली देखो आप एक पेंसिल यहाँ से लेके आओगे तो नहीं उठ रही, ये देखो ऐसे आंसर। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये क्लोज लूप है। तो ये क्लोज लूप में लगेगा और ये लॉ ये कहता है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। कैसे लगेगा ये लॉ, ये देखो। इस लॉ को लगाने के लिए कोई भी क्लोज लूप ले लो। जैसे एग्जाम्पल ये मैंने एक लूप ले ली, लूप नंबर 1, ये घूम रही है। तो मैं अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं ये पाथ फॉलो करूँगा, मैं इधर आऊँगा, इधर आऊँगा, इधर आऊँगा, इधर आऊँगा और फिर मैं वापस चला जाऊँगा। तो क्या करूँगा रास्ते में,
पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा। ध्यान से देखना, जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूं तो रास्ते में क्या आया? कैपेसिटर। कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पहले आई? पॉजिटिव। फिर कौन सी आई? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। और वैसे भी सबको पता है पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल। तो यहां से यहां जाने में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। जब पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो आप यहां पर लगाएंगे माइनस। माइनस पोटेंशियल कितना है? क्यू वन बाय सी वन। क्यू वन को सी वन से डिवाइड करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो पोटेंशियल यहां से यहां क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज आएगा तो माइनस, इंक्रीज आएगा तो प्लस। तो अब मैं इस प्लेट पे आता हूं, अब फिर से प्लस से कहां आ रहा हूं? माइनस। फिर से पोटेंशियल हायर से लोअर, तो माइनस क्यू फाइव बाय सी फाइव। अब एक काम करते हैं, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस क्यू टू बाय सी टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये रहा आपका किरचॉफ का सेकेंड लॉ। ठीक है यहां तक? फिर से लगाते हैं। चलो फिर एक काम करते हैं, इस बार जो रूट लेते हैं, कोई भी एक लूप लेते हैं, और सपोज वो लूप ये लेते हैं, ये रहा इधर, इधर ये ग्रीन कलर में जो मैं जहां जहां बना रहा हूं, इधर इधर ये रहा, तो ये भी एक लूप है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से स्टार्ट होके इधर जा रहा हूं, तो प्लस से माइनस पे जा रहा हूं, पोटेंशियल डिक्रीज माइनस क्यू वन बाय सी वन। मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूं, पोटेंशियल डिक्रीज क्यू थ्री बाय सी थ्री। फिर मैं बैटरी के माइनस से प्लस पे जा रहा हूं, तो प्लस वी इक्वल टू क्या? जीरो, क्योंकि बैटरी में भी माइनस से प्लस का मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस वी इक्वल टू जीरो। कोई डाउट इसमें? सही है। आप यहां पे लगा के देख लें, इस लूप में लगा लें, तो जब आप प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है माइनस क्यू थ्री बाय सी थ्री। फिर आप माइनस से प्लस पे आ रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है क्यू फोर बाय सी फोर। फिर आप माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, तो प्लस क्यू फाइव बाय सी फाइव मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक? ये है किरचॉफ का सेकेंड लॉ। और पेपर में एक स्टेटमेंट आती है, आप लिख लें इस स्टेटमेंट को, किरचॉफ नोट उसमें फॉर्मूला रजिस्टर में, सेकेंड लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन? क्योंकि लॉ है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन या एनर्जी एक ही बात है जूल्स में, तो पूरा एनर्जी क्या हो रहा है इसमें? कंजर्वेशन लग रहा है।